I conclude. से हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर जी, माननीय सदस्यगण, अगर आप समय के अंदर एक दो मिनट में बात नहीं कहेंगे तो बाकी मेंबर्स छूट जाएंगे, प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस सदन में पहुंचूंगा। एक दिन वसुंधरा जी, जो उस टाइम राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि हम आपको राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो मैं खूब हंस के उनको बोला कि आज अप्रैल फूल्स डे नहीं है, हालांकि कल अप्रैल फूल्स डे है। सो उस टाइम मेरे को तो जानने भी नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और श्री अमित शाह जी को, जो उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा जी को और श्री वसुंधरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस सदन में आया हमारे चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू के साथ चुन के आया था 2016 में राजस्थान से, और मेरी मेडन स्पीच सिर्फ 3 मिनट के लिए चली। उस टाइम जो उप सभापति थे श्री कुरियन जी, तो मैं बोलने चालू करा था कि उन्होंने वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई लोग बोल लेते पता नहीं, तो उन पर बहुत नाराज हुए, और शायद वो गुस्सा पता नहीं शायद मेरे ऊपर निकल गया। तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो ऐसे ये मेरी मेडन स्पीच है, तो नेक्स्ट टाइम मेडन स्पीच, अभी आप बैठ जाइए। तो इस तो मेरे को मालूम नहीं था कि मेडन स्पीच भी नेक्स्ट टाइम होती है। तो इस मेरे 3 मिनट की रही। सर, मेरे दादाजी राव लक्ष्मण सिंह जी इस राज्यसभा के मेंबर थे 52 से 58 में, जो पहली राज्यसभा हुई थी इस बिल्डिंग में सर, और वो राज्यसभा के क्रिकेट कैप्टन थे और लोकसभा के क्रिकेट कैप्टन पंडित नेहरू जी थे। तो उस टाइम काफ़ी ये मैचेस होते थे, लेकिन आजकल ये सब बंद हो गया है। हम चाहते हैं कि ये क्रिकेट मैचेस वापस चालू हो और ये खेल स्पर्धा वापस चालू हो। और मैं इस सदन, इस बिल्डिंग के आखिरी सेशन में मैं भाग ले रहा हूँ, तो ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ है सर। सर, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, कई अच्छे दोस्त हमने बनाए उस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो लोगों को परखने को बहुत जल्दी हम सीख गए, और दूसरी बात, जब कभी भी देश की सेवा के लिए मौका मिलेगा, हम वापस तैयार होंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये 6 साल इस सदन में बहुत जल्दी गुजर गए। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर इन द पार्लियामेंट, एंड आई वांट टू थैंक ऑल पार्टी मेंबर्स, मेरे जो कोई भी पार्टी मेंबर्स थे जिन्होंने मेरे को मदद की, बोलने का मौका दिया। खत्म करें, अंत में मैं सब राज्यसभा स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में सर, जिस तरह विश्व की स्थिति है और हमारे परेश देशों के जो हाल हैं, हम आजकल बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के नीचे, और जिस तरह से सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था इस देश की हो रही है, हम बहुत अच्छा महसूस। धन्यवाद।